SN Live सच सबसे आगे। नमस्कार, SN Live में आपका स्वागत है। देश के जाने माने प्रसिद्ध जादूगर गोगिया सरकार का मैजिक शो कल बुधवार को 29 दिसंबर से सिवान शहर में शुरू हो जाएगा। ये शो सिवान के कृष्णा टॉकीज में शुरू हो रहा है, जहां रोजाना 3 शो में लोगों का मनोरंजन होगा। बता दें कि जादू का शो एक पारंपरिक आयोजन है, इससे आज की पीढ़ी मोबाइल के बढ़ते प्रभाव के कारण भूलती जा रही है। ये एक लाइव एंटरटेनमेंट है, इसमें इंसान रोमांचित हुए बिना नहीं रह सकता है। जो फिल्में हम देखते हैं वो रिकॉर्डर एंटरटेनमेंट होता है। आज लाइव एंटरटेनमेंट को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, वहीं जादूगर गोगिया को बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। जादूगर गोगिया सरकार ने सिवान शहर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों के साथ जादूगर गोगिया सरकार का जादू देखने जरूर आएं। बता दें कि जादूगर गोगिया सरकार शो के दौरान एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज कारनामों से जाने जाते हैं। वहीं इस बार पहली बार जादू के मंच पर डायनासोर भी देखने को मिलेगा। कोरोना महामारी के बाद ऐसा पहली बार है जब सिवान में इस तरह का जादू का शो आया हुआ है, जिससे सिवान शहर के लोग भी काफी उत्साहित हैं। सुनिए जादूगर JR गोगिया सरकार ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। ये जादू कला, मैं जादूगर JR गोगिया सरकार आपके शहर में पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार अपने कला का प्रदर्शन करने जा रहा हूँ, और इस बार काफ़ी कुछ नया चीज़ों को लेकर आया हूँ। और इसका भव्य शुभारंभ 29 दिसंबर को किया जा रहा है, यानी कि कल संध्या 6:30 बजे से होने जा रहा है। मैं चाहूँगा सिवान वासियों से कि अपने अपने फैमिली को लेकर के हमारे कार्यक्रम में आए। देखें ये लगा है, ये सिनेमा हॉल कृष्णा सिनेमा हॉल में है। पहले भी लगातार कई बार आप सिवान में शो कर चुके हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ खास रहेगा आपके शो? इस बार लॉकडाउन को लेकर के जो भी कठिनाइयां हम कलाकारों के साथ आई है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुए हैं, उसको देखते हुए 2 साल में मैंने काफ़ी बैठे बैठे तैयारियां की है और काफ़ी कुछ नए चीज़ को लेकर के आया हूँ। नया इस बार मैं आपके शहर में डायनासोर को लेकर के आया हूँ, बहुत एक विशाल चिंपैंजी को लेकर के आया हूँ, जो प्रदर्शन के जरिए दिखलाया जाएगा। और दूसरी चीज़ की अभी हमारे यहाँ अभी लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, इसको लेकर के मैं अपने स्टेज से संदेश भी दे रहा हूँ कि लॉकडाउन का पालन अवश्य हर हाल में किया जाए, हर चीज़ का, उसको देखते भर में हम लोग अपने कार्यक्रम को भी चलाएंगे। जादू क्या है? क्योंकि जादू जो है बहुत छोटे छोटे बच्चे समझते हैं कि हम लोग जाएंगे गायब कर देंगे जादूगर, जादू वाकई में क्या है? जादू एक साइंस है, विज्ञान है, सम्मोहन का चमत्कार है। और ये जादू कला आज की कला नहीं है, ये बहुत पुरानी कला है। यही एक कला आज की डेट में आज भी बची हुई है, जो परिवार के सारे सदस्य एक साथ बैठ के देख सकते, नहीं तो अदरवाइज बहुत सारे ऐसे चीज है, पिक्चर हो गए, सीरियल्स हो गए, जिसमें ऐसे सीन्स होते हैं कि परिवार के किसी सदस्य को उठना पड़ जाता है। लेकिन ये कला एक ऐसी कला है जिसमें परिवार के किसी सदस्य को उठना नहीं हो, इत्मीनान से सारे फैमिली विद फैमिली एक साथ बैठ कर एंटरटेन करते हैं। सिवान वासियों से मेरा यही अपील है कि एक बार कृष्णा सिनेमा हॉल में जरूर आए और हमारे जादू कला प्रदर्शन का लुत्फ उठाए। एक जादूगर वाला जो डायलॉग होता है वो हम चाहेंगे कि थोड़ा दर्शकों को आप फेवरेट है। ऐसे तो हमारा मंच पे ही मैं डायलॉग देता हूँ और स्पीच तो इस मंच पे होता है जादू के कार्यक्रम के दौरान। आप समझ लीजिए कि आप मंच के सामने हैं। चल गया तो जादू और चूक गया तो मौत, यही है कलाकारों का संदेश।